नमस्कार, मेरा नाम मनोज कुमार है और आप सीख रहे हैं कंप्यूटर फंडामेंटल। तो कंप्यूटर फंडामेंटल का अध्याय, पिछले अध्याय में आपको मैं बताया था हिस्ट्री एंड जनरेशन, यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ी। तो फर्स्ट जनरेशन में आपको बता दिया था कि फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर कैसा हुआ करता है, और आज मैं बताऊँगा सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर कैसा हुआ करता है और क्या उसमें खासियत थी। तो चलिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर उसको फटाफट सीख लेते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रही हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, अगर नहीं किए हैं तो फटाफट कर लीजिए। मैं एक से एक वीडियो किस पर लोड करता ही रहता हूँ दोस्तों। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर और इसको पढ़ते हैं और इसको सीखते हैं, यानी कि जनरेशन कंप्यूटर का पीढ़ी, पहले का कंप्यूटर कैसा हुआ करता था, क्या उसमें खासियत थी, क्या थी इसके बारे में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक मैं आपको बता दिया था, यानी कि हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर, ये आपको मैं बता दिया था। और आज मैं आपको बताऊंगा, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि आपको सेकंड जनरेशन में आज मैं बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, कहा क्या रहा है कि सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1959 टू 1964, यानी कि सेकंड जनरेशन का पीढ़ी का कंप्यूटर 1959 से 1964 के बीच ये कैसा हुआ करता था। ये क्या कह रहा है, ट्रांजिस्टर वाज यूज, मतलब अब सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज होने लगा। फर्स्ट जनरेशन में ये ट्यूब से कंप्यूटर का बनाया गया था, और सेकंड जनरेशन में ये ट्रांजिस्टर से आपको कंप्यूटर को बना दिया गया, ठीक ना। उसके बाद क्या कह रहा है, प्रोसेसिंग स्पीड वाज फास्ट, मतलब उससे ज़्यादा फास्ट था। और उसके बाद क्या कह रहा है कि सेमलर इन द साइज 51 स्क्वायर फीट, मात्र 51 स्क्वायर फीट में ही, यानी कि एक दो रूम के अंदर ही कंप्यूटर आप रख सकते थे, नहीं तो पहले आपको एक आध दो कट्ठा जमीन पर कंप्यूटर वो रहता था, ठीक है ना। उसके बाद इसमें क्या हुआ, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस वेर फास्टर, मतलब इनपुट भी होने लगा और आउटपुट भी होने भी लगा, वो भी फास्ट तरीका से। अब पहले के कंप्यूटर में क्या हुआ करता था, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में, कि आप इतना वोल्टेज चाहिए, इतना एक्सवायर फिर जगह चाहिए, एक के बी टू 4 KB तक सिर्फ आप इसमें स्टोर कर सकते हो, इनपुट आउटपुट नहीं कर सकते थे। इसमें क्या क्या चीज हो सकते थे, ये कंप्यूटर का ट्रांजिस्टर से यूज हुआ, कंप्यूटर बना ट्रांजिस्टर से, और उसका स्पीड उससे ज़्यादा फास्ट हो गया, ये 51 स्क्वायर फीट में ये आपको जगह लिया, और इसमें इनपुट और आउटपुट दोनों आप कर सकते हो भी फास्ट तरीका से। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कैसा था, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1965 टू 1974, यानी कि क्या इसमें यूज हुआ, आईसी यूज हुआ इसमें, ठीक है ना। आईसी होता है, इस टाइप के आईसी होता है, और इस टाइप का ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर इसके बीच में हुआ करता था, और थर्ड वाला में आईसी यूज होने लगा, ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं, आई सी वेयर द विच टू प्लेस द ट्रांजिस्टर, ये आई सी होने लगा। उसके बाद क्या कह, प्रोसेसिंग स्पीड इज फास्टर देन सेकंड जनरेशन, ठीक ना। कहने क्या कह रहे हैं, सेकंड जनरेशन से, कहने के फर्स्ट जनरेशन से ये सेकंड वाला कंप्यूटर बहुत फास्ट था, और सेकंड वाला से थर्ड वाला जनरेशन बहुत कंप्यूटर फास्ट था, ठीक ना। उसके बाद क्या कह रहा है कि मिनी कंप्यूटर वे इन द, क्या कह रहे हैं, मिनी जैसे मिनी कंप्यूटर वेयर द प्रोड्यूस्ड ड्रिंग दिस जनरेशन, ठीक ना, स्टोर कैपेसिटी इन मेगा बाइट। कहने का मतलब है इसमें क्या क्या खासियत हुआ दोस्तों, सबसे पहले का ट्रांजिस्टर हट गया, ठीक ना, आईसी यूज होने लगा, और प्रोसेसिंग स्पीड इसका उससे फास्ट हुआ। ये मिनी कंप्यूटर के नाम से आपको ये जानने लगा। अब इसका स्टोरेज जो कैपेसिटी था मेगा बाइट में होने लगा, वो KB में होना हो रहा था, देखिए KB किलो बाइट में हो रहा था, और इसका स्टोरेज कैपेसिटी मेगाबाइट में होने लगा दोस्तों। अब आते हैं फोर जनरेशन कंप्यूटर मेरे पास कैसा हुआ करता था, ठीक है ना। तो क्या कह रहेगा, फोर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1975 टू 1990 के बीच, यानी कि VLSI, ठीक ना, VLSI यहाँ पर देखिएगा, VSLI की तरह से, एक तरह से ये क्या हुआ, ये ऐसा मशीन आ गया कि कंप्यूटर आपका हाथ में आ गया, यानी कि लैपटॉप के हाथ में आपको दे दिया, और बहुत छोटा साइज, ठीक ना, बहुत
छोटा साइज में ही आपको कंप्यूटर ये आ गया दोस्तों। तो क्या कह रहा है, VLSIN माइक्रो प्रोसेसर आर यूज प्रोसेसिंग स्पीड इज वेरी हाई गीगाबाइट वेरी वेरी स्मॉलर साइज, ठीक ना, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस वेयर ओवरस्टाइल, ठीक ना। तो कहने का मतलब है ये जो कंप्यूटर हो गया कहा होगा लैपटॉप के में आ गया, ये कंप्यूटर लैपटॉप में आ गया ये, और ये जो था ये कंप्यूटर सीधे लैपटॉप हो गया, लैपटॉप आपका हाथ में आ गया, और ये जो आईसी वाला जो था कंप्यूटर ये अभी इसमें लैपटॉप नहीं बनता था आईसी से, ठीक ना। तो दोस्तों मैं फिर से रिपीट कर दूँ, और उसके बाद फाइव जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1990 से इनकम्प्लीट, अभी इनकम्प्लीट है, अभी कैसा कंप्यूटर आएगा अभी पता नहीं चल पाया है। आपको कोई भी पूछेगा कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कौन सा सन में हुआ था, तो आप बता दिए कि 1946 से 1958 के बीच में वो वैकम ट्यूब से आपको बना था, उसमें 1 KB से 4 KB रखने की जगह थी, वो वैकम ट्यूब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट थी, और वो मिली सेकंड में काम करती थी, मतलब सेकंड से इधर भी काम करती थी, स्लो उसका प्रोसेसिंग था। उसके बाद 1.5 लाख वोल्टेज ले लिया करता था, और इसी तरह से आपको सब आपको बताना है दोस्तों। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो आप इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो आपको देखना नहीं भूले दोस्तों, तब तक के लिए बाय।